वो खिलाड़ी जिसके आने से सुस्त फील्डिंग में सुधार आया, वो खिलाड़ी जिसने सिखाया अच्छी फील्डिंग से किस प्रकार रन रोका जाता है। वैसे देखा जाए तो उस वक्त भारतीय टीम की फील्डिंग ज्यादा कुछ खास नहीं थी। अगर हर टीम में मोहम्मद कैफ जैसे फील्डर हो तो रन बचाने के साथ साथ कैच के रूप में विकेट निकालना आसान हो जाए। फील्डिंग क्रिकेट खेल का एक अहम पहलू है। अगर आपकी टीम फील्डिंग में बेहतरीन है तो आसानी से हर मैच में 20 से 30 रन बचाए जा सकते हैं, जो टीम के लिए बोनस साबित हो सकता है। वही अगर आपकी टीम फील्डिंग में अच्छी नहीं है तो कैच के साथ साथ मैच भी हाथ से निकल सकता है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक शानदार खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसके टीम में आने से पूरी टीम का माहौल ही बदल गया था। फील्डिंग में उस दौर के साउथ अफ्रीकन टीम के एक बेहतरीन फील्डर हुआ करते थे जिन्हें जॉन्टी रूट्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस वक्त एशियन टीम की फील्डिंग बिल्कुल भी खराब मानी जाती थी और इसी प्रकार भारतीय टीम की भी दशा थी। लेकिन फिर भारतीय टीम में एक ऐसे जाबाज खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसके टीम में शामिल होने के बाद अचानक ही भारत की सुस्त पड़ी फील्डिंग में जान सी आ गई। ये वही मोहम्मद कैफ थे जिन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलकर पॉइंट और कवर को ऐसा इलाका बना दिया था जहां से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। ये वही मोहम्मद कैफ थे जिन्होंने भारत को अपनी बैटिंग के साथ साथ कई मौके पर फील्डिंग से भी मैच जिताने में अहम किरदार निभाया है। मोहम्मद कैफ का जन्म 1 दिसंबर 1980 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मोहम्मद कैफ के घर में बचपन से ही क्रिकेट का माहौल था। उनके पिता और उनके बड़े भाई भी क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों लोगों का क्रिकेट करियर रणजी मैचों तक सिमट कर ही रह जाता था। अपने पिता और बड़े भाई को क्रिकेट खेलते देख बड़े हुए मोहम्मद कैफ ने छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इलाहाबाद के मेवालाल अयोध्या प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। बाद में मोहम्मद कैफ ने पढ़ाई छोड़ दी और फिर वो पूरी तरह से क्रिकेट की दुनिया में रच बस गए। अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए मोहम्मद कैफ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुँचे। यहाँ आने के बाद मोहम्मद कैफ ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। शुरुआत के 2 साल मोहम्मद कैफ के लिए काफी मुश्किल रहे थे। उस दौरान उन्हें उनके सीनियर क्रिकेटर्स ने काफी परेशान किया था, लेकिन कैफ ने हार नहीं मानी। उनके साथ भले ही इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन सबको उन्होंने कभी अपने क्रिकेट पर हावी नहीं होने दिया और वो लगातार अपनी क्रिकेट पर मेहनत करते रहे। उस दौर को याद करते हुए मोहम्मद कैफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में जब वो क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे थे तो वो अपने पेरेंट को कभी अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताते थे। कैफ को ये झूठ इसलिए बोलना पड़ता था क्योंकि वो जानते थे कि उनकी स्थिति जानने के बाद उनके माता पिता को उनकी चिंता होगी। जल्द ही कैफ की मेहनत रंग लाई और उन्हें सन 2000 में श्रीलंका में खेले जाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद कैफ के अलावा युवराज सिंह, वेणुगोपाल राव और अजय रात्रा जैसे खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा थे। मोहम्मद कैफ को इस टीम का कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी में भारत पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीतने में सफल हुआ। मोहम्मद कैफ को मार्च 2000 में भारत की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंगलोर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद कैफ ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। इस टेस्ट मैच में मोहम्मद कैफ ने भारत की पहली इनिंग में 12 और दूसरी इनिंग में 23 रन बनाए। फिर बाद में उन्हें इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अपने डेब्यू टेस्ट के अनुभव को एक इंटरव्यू में साझा करते हुए मोहम्मद कैफ ने बताया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस टेस्ट मैच में उन्होंने पहली बार ऐसे तेज गेंदबाजों के सामने बैटिंग की थी जो लगातार 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। एलन डोनाल्ड, लांस क्लूजनर, जैकब कैलिस, शान पोलाक जैसे तेज गेंदबाजों को खेलने के बाद मोहम्मद कैफ को ये महसूस हुआ कि वो फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद कैफ ने अपने इंटरनेशनल करियर की सबसे यादगार पारी सन 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल मैच में खेली थी। इस मैच को मोहम्मद कैफ के मैच जिताऊ पारी के अलावा लॉर्ड्स की बालकनी से सौरभ गांगुली के टी शर्ट लहराने के लिए याद किया जाता है। इस मैच के बारे में बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने बताया था कि उनकी इस इनिंग के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने उन्हें बैटिंग के दौरान काफी तंग किया था। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने उन्हें बस ड्राइवर तक कह दिया था। इस पारी के बाद मोहम्मद कैफ की वनडे टीम में जगह पक्की हो गई। कैफ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक उसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के एक मैच में लगाया।
वे 2003 में साउथ अफ्रीका में खेले गए भारत की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन पारियां खेली थी। मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच में सचिन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़े थे। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को भारत ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया था। उसके बाद सुपर सिक्स के एक मैच में न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ मोहम्मद कैफ ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस मैच में मोहम्मद कैफ ने नाबाद 68 रन की पारी खेलकर भारत को मैच जिताने में अहम योगदान दिया था। इस विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद कैफ ने सलामी बल्लेबाज निक नाइट को एक शानदार तरीके से रन आउट किया था। पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में लाहौर में खेले गए चौथे वनडे मैच में मोहम्मद कैफ ने सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही भारतीय टीम को एक बार फिर मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। मोहम्मद कैफ ने इस मैच में राहुल द्राविड के साथ मिलकर नाबाद 131 रनों की साझेदारी कर मैच भी जिताया था। इस मैच में एक अनोखा दृश्य भी देखने को मिला, जब शब्बीर अहमद की एक गेंद पर कैफ का बल्ला टूट गया था। फिर साल 2018 में मोहम्मद कैफ ने क्रिकेट खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। मोहम्मद कैफ साल 2008 में शुरू हुई इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं। इस लीग में वो राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ से खेलते दिखे थे और इस लीग के अन्य और टीमों में भी मोहम्मद कैफ खेल चुके हैं, जिसमें किंग 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम शामिल है। तो गाइस, ये थी भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर, बल्लेबाज और शानदार फील्डर मोहम्मद कैफ की कहानी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? उम्मीद है सुनकर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।